जिला कारागार में बंदी मिथुन द्वारा 27 बंदियों को टेराकोटा की मूर्तियां बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके संबंध में जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने बताया कि टेराकोटा की एक बंदी मिथुन द्वारा 27 बंदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि टेराकोटा ODOP में शामिल है। वहीं कुछ दिन पहले कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निरीक्षण किया था और टेराकोटा का निरीक्षण किया था और बंदियों द्वारा सराहना की गई थी और सभी बंदियों को प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश दिया गया था, जिसके तहत 27 बंदियों को बंदी मिथुन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे यह बंदी जेल से छूटकर बाहर जाएंगे तो अपना जीवन यापन प्रतिभा के दम पर सम्मानपूर्वक कर पाएंगे। जिम्मा हुआ मेरे पर और मैं जेल में आ गया, फिर मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मेरा काफ़ी सपोर्ट किए, मेरे कला को जानने प्रोत्साहित किए और आज जो मेरे श्रीमान जी वरिष्ठ अधीक्षक जी माननीय मेरे जेल साहब जो है मेरे बहुत मुझे सम्मान दिया और ये जो सारा चीज़ हो रहा है सब साहब उनके बदौलत हो रहा है सर। और ये मैं पहले बनाता था ये सर जी, तो वगैरह अपने घर को सजाने के लिए दशहरे में अपना जो मूर्ति रखता था मेरे पिताजी प्रधान मित्र तब मैं सब करता था ये सर। तो कैसे आपको मार्केटिंग के लिए नहीं कभी किया हूँ जी सर, अब निकलने के बाद मेरे सुधार ये आएगा कि मार्केटिंग में करूँगा इसका इसका कर लेंगे जी सर। अच्छा यहाँ प्रशिक्षण भी देते आने का जी सर? जी सर, यहाँ 27 लड़के हैं और 27 लड़कों को मैं बताता हूँ कि कैसे मतलब ये बनता है, टेराकोटा क्ले क्या है और इसमें कारीगरी क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या सीखना चाहिए सर, क्या क्या प्रोसेस है सर। बहुत सुंदर है, ये एक लड़का ये बनाया है और वहाँ बना है और सुबह एक लड़का वो बनाया है, बाकी नेकलेस वगैरह है तो ये सब मेरे बनाए हुए नेकलेस है, ये मेरा बनाया हुआ नेकलेस है सर। ये पूरे मिट्टी का है जी सर, टेराकोटा जी सर। क्या क्या अभी तक बना लेते हैं आप सर? इसको बना गया है, पका गया है सर, मतलब पेंटिंग बाकी है अभी जी, पेंटिंग बाकी जी सर। ये गमला फ्लावर पॉट सर, ये अभी पहले इस तरह बना है। आपने यहाँ अवैध मोदी जी और सुभाष चंद्र सेकंड पार्ट में ये वाइट जिसमें कुछ सिक्कर होता है उसका सिक्कर भरा जाता है, ये तमाम जो है नेकलेस वगैरह का चैप्टर सो ये दाने हैं जो नेकलेस में यूज होते हैं और ये सब मिट्टी का है सर, टोटली मिट्टी। मटेरियल आता कहाँ से? ये मटेरियल अंदर से कि नहीं सर, ये मटेरियल जो है अवेलेबल होता है बाहर से, बाहर से बाहर से मंगाना पड़ता है। जेल का कितना आपको सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट है और हमारे जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि तुम सीखो ये बनाओ और बाहर निकल के जो है तुम जो आपराधिक मामला है ये तुम्हारा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, तुम सुधर सकते हो। तो ये मेरे साहब उनका बहुत कृपा है हमारे पर और मैं यहाँ बंदी बस नॉर्मली अपना जेल काट रहा हूँ, मुझे बिल मिले मैं बाहर जाऊँगा और अपना टेराकोटा का काम स्टार्ट करूँगा, ये बड़े लेवल पर मैं करूँगा ये नाम जी सर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा, हाँ टेराकोटा के लिए इस समय 27 बंदियों को एक सिद्ध दोष बंदी मिथुन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अन्य NGO के लोग भी महिला वर्ग में प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। टेराकोटा उद्योग इस जिले के ODOP में शामिल है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में इस कारागार राज्य मंत्री माननीय धर्मवीर प्रजापति ने अभी हाल में ही जेल का विजिट किया है और स्किल डेवलपमेंट के तहत ODOP के तहत अधिकाधिक बंदियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न ट्रेडों में जिला उद्योग केंद्र और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराए जा रहे हैं, उसी के तहत टेराकोटा में 27 बंदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसमें सिद्ध दोष बंदी मिथुन काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। अभी बाहरी प्रशिक्षक नहीं है लेकिन मिथुन इस कार्य में पूरी तरह निपुण है और अन्य बंदियों को ट्रेनिंग पूरी तरह से दे रहा है और जब बंदी छूटकर जेल से निकलेंगे तो ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे और अपराध से विरत रह सकेंगे, इस तरीके से उनमें सुधारात्मक
प्रभाव दिखाई देगा और ये लोग अपनी आजीविका भी आसानी से बाहर अर्जित कर सकते हैं।